हे फाफू स्क्वाड, कैसे फाफू स्क्वाड? तो फाफू स्क्वाड आज का ब्लॉग मैं रोड के बीचों बीच चालू कर रहा हूँ और हमारे साथ जाहिद है, तो बने रहो, देखते रहो, बहुत मजा अभी से आ रहा है। बहुत। तो गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे लिए हेलमेट खरीदने, क्योंकि जो मेरा पुराना हेलमेट है वो टूट गया है, तो नया हेलमेट खरीदने आ रहा हूँ। और जब तक गिर गया था, और जब तक आप ये ट्रैफिक भरी जिंदगी जो मुमरा की है उसका सिनेमेटिक इंजॉय करिए। तो गाइस सिनेमैटिक कैसे लगा? मुझे लगा अच्छा ही लगा होगा, मुमरा का ट्रैफिक भरा सिनेमैटिक। तो अभी हम लोग की दुकान आ गई है, अब ये दुकान में से एक में हेलमेट ले देते हैं और बने रहो, देखते रहो कौन सा हेलमेट में सिलेक्ट करता हूँ सस्ता और अच्छा। हेलमेट है अंकल जी? हाँ है। तो गाइस हमारे अंकल जो कैमरा फ्रेंडली है, तो उन्होंने बोला मुझे छोड़ के आप पूरे दुकान की वीडियो बना सकते हो। अंकल मुझे ना सस्ते में सस्ता और बेस्ट क्वालिटी में हेलमेट दिखाइए, और अपने पास रेंज क्या चालू है हेलमेट की? 400 स्टार्टिंग है। 400 स्टार्टिंग है जी, दिखाइए मुझे। तो बने रहिए। तो गाइस अंकल ने बोला 400 वाला जो है वो पुलिस से बचाएगा और 1000 वाला है वो एक्सीडेंट सेफ्टी से बचा देगा। हाँ तो तूने बोला अंकल को मत आने दे, क्या बोल रहा है तू? वो 400 वाला पुलिस से बचाएगा और 1000 वाला जान बचाएगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं मैं कौन सा सिलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट है। क्या प्राइस बोले अंकल इसका? 1000। तो मेरे लिए डिस्काउंट तो रहेगा ना? 100% डिस्काउंट है वो। डिस्काउंट तो करो, आपके लिए ब्लॉग बना रहे अंकल कुछ तो। मैंने यार डिसाइड किया है हेलमेट ले रहा हूँ, बहुत ही स्पोर्टी टाइप का और अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे पास सूट करेगा। ऊपर लेना राइट। तो गाइस ये मेरे को अंकल 1000 रुपीज का था, अंकल ने मुझे 50 रुपीज ऑफ करके 950 में दिया, और ये गाइडलाइन के हिसाब से तो आप ले लीजिए अंकल के शॉप में विजिट की। तो गाइस बने रहिए और देखते रहिए। चलिए अंकल अल्लाह हाफिज। अच्छा ये तो गाइस शॉप से अब हम लोग निकल गए, अब हम लोग जा रहे शिमला पार्क, हेलमेट ले लिए, अब आरिस का वेट करेंगे और अहमद का, वो लोग दोनों जब आएंगे तब ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहो देखते रहो गाइस। तो गाइस अभी शिमला पे तो पहुंच गए, लेकिन अभी प्लान में चेंज आया है, अब ये बोल रहा है कि दीवार कूद के जाने का, पर मैं बोला चल भाई सीधे रास्ते से चले गए, क्योंकि गाइस मैं एक हाथ से ब्लॉग बनाऊंगा कि दीवार कूदूंगा। तो अभी प्लान है अहमद के यहाँ जाने का, तो अहमद के यहाँ जाएंगे और अहमद बोल रहा है चलो साथ में नमाज पढ़ेगी जोर की, तो चलो बने रहो देखते रहो गाइस। कुछ बोलेगा? जल्दी चल बे। ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग अहमद के यहाँ चलते चलते जा रहे, तो मैंने बोला कुछ बात कर लेते, और जाहिर तो पूरा पसीने से तरबतर हो गया है। तो गाइस चलो चलते। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है साहिल, तो साहिल ने मुझे DM किया कि भाई मुझे आपके साथ शिमला पे MM पे डेली जॉगिंग करने आना है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मैं इंशाल्लाह वेनेसडे ट्यूजडे से चालू करूंगा, तो मैं आपको DM कर दूंगा, तो आप मेरे साथ आना और अपन ब्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे। और पब्लिक ऐसे क्यों देख रही है? पहली बार देख रही है गाइस, आप देखो पब्लिक में ब्लॉग करने का फायदा, देखो मुड़ मुड़ के देखेंगे लोग, पर अपन को कोई वो नहीं, अपन बनाते रहेंगे। देख रहे थे? देख रहे थे। पचका हो गया, कोई कोई देखते नहीं क्योंकि मेरी आवाज़ सुन लिए थे, वरना हर कोई देखता है। अहमद यहाँ पहुंच गया, अहमद अभी अराइव हुआ और मेरा हेलमेट तोड़ फोड़ कर रहा है। ये सही से पहन रहे, पसीना पहुंच इतना अहमद स्पोर्ट्स वाला। अच्छा है, तुम कब से हेलमेट पहनने लगे? पहनता हूँ मैं हेलमेट, ब्लॉग चालू है। सो गाइस बने रहो देखते रहो, अभी नमाज पढ़ेगा अहमद और मैं और जाहिद, अजान हो रही बाद में। सो गाइस मस्जिद में आए, नमाज पढ़ के निकले अहमद और जाहिद, टोपी अभी तक पहना हुआ माशाल्लाह रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई कल फ्राइडे था ना, तो इस वजह से नहाया नहीं है भाई। अभी तक नहाया नहीं तू? अभी नमाज पढ़ लिए। तो अभी प्लान क्या, अभी कहाँ चलना है? शिमला? अभी मैं यहाँ से जाऊँगा घर पे खाना खाऊंगा पहले। और तेरा क्या प्लान है? मैं अभी घर पे जाऊँगा फिर क्लासेस। फिर चलो मैं भी घर जाता हूँ, फिर देखते रहो बने रहो, जो भी प्लान है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस जाहिद मेरा डिसाइड हुआ, अभी अहमद को मैंने छोड़ दिया, जाहिद का CPU बनाना है। तो अगर मैं देखूंगा, अगर या तो मैं घर चले जाऊंगा या तो जाहिद का CPU बनाऊंगा, देखते अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। आरिस को भी कॉल किया तो आरिस बताएगा वो आ रहा है कि नहीं, तो बने रहो देखते रहो। तेरा CPU बनाना जरूरी है? हाँ भाई आज बहुत जरूरी है। CPU में क्या प्रॉब्लम हुआ है? विंडो 10 का OS खराब हो गया है। तो चलो जो भी अपन देखते हैं, अगर बनाऊंगा तो आपको पक्का बताऊंगा। सो गाइस मैं घर पहुंच गया हूँ और जाहिद तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया CPU बनाने का, क्योंकि कुछ तो इशू हो गया था कि जाहिद को लेट हो रहा था, तो इसलिए अब नहीं बना रहे, तो कल बनाएंगे इंशाल्लाह अगर बनाना होगा तो। यही मेरा डेली ब्लॉग था आज आपके साथ मैंने शेयर किया। सानिया खाना देना मेरे को।
तो गाइस बने रहिए, और क्या बने रहिए, आसिम भाई आप बोलोगे बने रहिए। अच्छा गाइस, आपको इंस्टा पे मुझे डीएम करिए और मुझे फीडबैक दीजिए मैं डेली ब्लॉग्स में क्या क्या लाऊं, और आप लोग मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा डीएम्स करके मेरे को सजेस्ट करते, तो डीएम करिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करते, डीएम करते मेरे इंस्टा पे आके, तो मुझे प्लीज़ करिएगा, मैं वो सब करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी ऑफ़।